Hello my dear students, welcome to English Grammar Sport. This lesson is about present continuous tense. In this video, I am going to show you how to form a present continuous tense. But before we get started, it is good to know how to we use is M and R. Is is means hai. is is use the singular form. If our subject is singular, then we use he, she, इज ही शी इट दिस दैट दे आर सिंगुलर फॉर्म्स आर यूज विद प्लोरल फॉर्म्स यू आई वी दे एक्सेट्रा दे आर प्लोरल फॉर्म एम यूज आई आई के साथ हम एम का यूज करते हैं इज मीन्स है आर मीन्स है या हो एम मीन्स हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसिस रहा है रही है एंड रही है इफ वी गेट एट द एंड ऑफ एनी लाइन रहा है रही है रही है दिस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस फार्मूला ऑफ इज दिस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम को करने वाला इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया उसके साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट नाउ आई विल गिव यू वन सेंटेंस ऑफ दिस टेंस वह टी वी देख रहा है एयर वी है इज सब्जेक्ट है एंड देख वहा हमारा ये पहचान है आइडेंटिफिकेशन है टेंस की और टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है देख रहा है देखने को इंग्लिश में वॉच कहते हैं टीवी को वॉच वॉज वॉज वह की इंग्लिश ही अब यहाँ पे हम इज एम आर में से एक चूज़ करेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दैट्स वाई वी यूज इज़ वॉचिंग वर्ब की फॉर्म वॉच उस प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ही इज वॉचिंग टीवी नाउ वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस वह टी वी नहीं देख रहा है ही इज नॉट वॉचिंग टी वी नाव इंटेरोगेटिव क्या वह टी वी देख रहा है इज ही वॉचिंग टी वी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या वह टी वी नहीं देख रहा है इज ही नॉट वॉचिंग टीवी दिस इज सिंपल नेगेटिव इंटैरोेटिव इंटैरोेटिव प्लस नेगेटिव